तो दोस्तों अगर आपके पास Realme का कोई भी डिवाइस है और उस डिवाइस में इस टाइप का आपने टाइप सी ओटीजी केबल परचेस करके रखा हुआ है और इसको अगर आप इसमें कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल माइक को यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते समय जो एक्सटर्नल माइक होता है वो आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है। आप पूरे सेटिंग को फॉलो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और फिर भी ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पे फिक्स नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरे डिवाइस में 3.5 mm जैक भी देखने मिलता है, साथ में टाइप सी है, मैं दोनों से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, पर दोनों का जो सेटिंग होता है वो अलग देखने मिलता है, जिसके चलते क्या होता है कि आप यहाँ पे जो ऑडियो होता है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो कीजिएगा तो जो भी ऑडियो का प्रॉब्लम मिल रहा है, कनेक्शन का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, वो आपका 100% यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास Realme का डिवाइस है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो 3.5 mm जैक से अगर आप यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, मान लीजिए कि इसको अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हेडफोन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ये ऑप्शन जब तक आपको यहाँ पे शो नहीं होगा तो आपका ऑडियो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। और उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले अगर 3.5 mm जैक से अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे नीचे में जाइएगा तो नीचे में जाने में मोर वाले ऑप्शन में जाना है। मोर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको डिफॉल्ट डिवाइस वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका यहां पे ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है यूज प्रीहेपल डिवाइस या आपको अदर भी नाम से देखने मिल जाएगा, इस पे सेट कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो भी आप यहां पे 3.5 mm जैक यूज कीजिएगा तो वो आपको यहां पे शो होना चालू हो जाएगा, उसके बाद आप यहां पे रिकॉर्डिंग कर सकते। उसके अलावा दोस्तों आपको यह भी चेक कर लेना है जो भी आप एक्सटर्नल माइक यहां पे यूज कर रहे हैं, अगर उसका वायर अगर कटा हुआ रहेगा या कहीं से डिफेक्ट होगा तो आपका यह सपोर्ट नहीं करेगा, यह आपका शो नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं यह कटा हुआ है इसलिए यह सपोर्ट नहीं करेगा। मैं अगर यहां पर लगा के दिखाता हूं तो लगाने के बाद देख सकते हैं यह ऑप्शन यहां पर शो नहीं होता है। तो जो मैं यहां पर अभी माइक यूज कर रहा हूं उसको यूज करूंगा तो यह यहां पर सपोर्ट करना चालू कर देगा, तो वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे अगर यहां से बैक हो जाता हूं, बैक होने के बाद इसको एक बार कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसे आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट करने के बाद अब आप यहां पे देखिए तो ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने मिलेगा। और उसके बाद अगर यहां पे कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पे हो रहा है और उसका ऑडियो मैं आपको एक बार सुना देता हूं। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है और इसका ऑडियो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है और उसका ऑडियो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि जो 3.5 mm जैक का अगर प्रॉब्लम मिल रहा था तो उससे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे टाइप सी का कोई अगर यहाँ पे कनेक्टर लेके रखा हुआ है तो उससे कैसे ऑडियो को सपोर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे टाइप सी का कनेक्टर लेते हैं तो उसका आपको अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे कनेक्टर लेना है। इस प्रकार का बॉक्स में अगर पैकेजिंग देखने को मिलता है तो उसी को कनेक्ट करना है। अगर आप 50-60 रुपये वाला अगर परचेस कीजिएगा तो वो आपका यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। देन उसके बाद क्या करना है, इसको आपको यहां पे इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करने के बाद अगर आप यहां पे फिर से यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कनेक्ट करके अपना ऑडियो, तो यहां पे शो नहीं होगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे कनेक्ट कर लिया है तो यहां पे शो नहीं हो रहा है। तो चलिए यहां पे बात करते हैं कि ये अगर आपको यहां पे शो नहीं हो रहा है तो आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। नीचे में आपको जाना है, नीचे में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है और एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओटीजी कनेक्शन का। अगर ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो देन आप ऊपर में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर बैक होइएगा, सेटिंग में जाइएगा तो आप यहाँ पर ओटीजी सर्च कर सकते हैं और ओटीजी जैसे सर्च कीजिएगा तो ओटीजी कनेक्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा तो इसको आपको यहां से ऑन कर देना है। और ऑन जैसे आप यहां पे कीजिएगा तो देख सकते हैं यहां पे आपको ओटीजी कनेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन यहां पे मिलेगा और ये हेडफोन वाला जो ऑप्शन है यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देता हूं कि रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से यहां पे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद अब आप यहां पे देख सकते हैं
मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो भी बोलूंगा तो ये जो वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ओटीजी कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें रिकॉर्डिंग होगा। तो चलिए मैं इसको आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे इसका ऑडियो सुन सकते हैं जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था। तो ये जो वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ओटीजी कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें रिकॉर्डिंग होगा। तो चलिए मैं इसको आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भी आप टाइप सी का यहाँ पे यूज़ करते हो ओटीजी, उससे भी आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में 3.5 ऑडियो अगर आपका कनेक्टर है, ये अगर ऑप्शन है, तो इससे भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं।